हेलो, मैं हूँ जीवन। मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। विंटर स्टार्ट हो गया है, इसके लिए आज मैं आपको एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े और साथ ही साथ ये फेस वॉश आपको ड्राई स्किन से भी बचाए और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लाइटिंग अप करे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ DIY विंटर फेस वॉश। ये फेस वॉश ड्राई स्किन वालों के लिए वरदान है, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है और सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। विंटर के लिए किसी अमृत की बूंद से कम नहीं है, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये फेस वॉश बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, आपकी स्किन को एकदम से हाइड्रेट करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। तो इस फेस वॉश को कैसे बनाना है और इसे कब और कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फेस वॉश को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून हनी। मैं यहाँ पर ब्रेक्ट मिक्सी के जार में ही इसे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे 15 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है, मिक्सी में चलाना है। इसलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ब्रेक्ट इस जार में ही ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून हनी ले लिया है। हनी में होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन को हील भी करते हैं, रिंकल्स को अपलिफ्ट करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो कॉफ़ी पाउडर है। आपको 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करना है। कॉफ़ी आपके ब्लेमशेस को दूर करेगी। कॉफ़ी में एंटी ब्लेमशेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो स्किन के अंदर जाकर स्किन के सारे काले दाग धब्बे और एक्नी स्कार्स को दूर करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कॉफ़ी इसमें ज़रूर ऐड करनी है। नेक्स्ट हम जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है ग्रेसलिन। आपको इसमें 2 टेबलस्पून ग्रेसलिन ऐड करनी है। ग्रेसलिन आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाएगी। ग्रेसलिन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को अंदर तक जाकर हील करेगा और आपकी स्किन को डीपली से मॉइस्चराइज करेगा, जिससे कि आपकी स्किन पर एक गजब की चमक आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ग्रेसलिन ऐड कर ली है। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल भी नहीं है तो आप इसमें आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें इसको अच्छी तरह से 15 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लूँगी। आपको तकरीबन जस्ट और जस्ट 15 सेकंड के लिए ही इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद ये फेस वॉश हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, हमारा DIY होममेड विंटर फेस वॉश बनके रेडी हो चुका है। इस फेस वॉश को आपको कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऐसे तो ये सॉल्यूशन ऐसे ही काम करेगा, ऐसे भी ये आपकी स्किन को क्लींजिंग करेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा फोम, थोड़ा सा लेदर चाहिए होता है, तो आप इसमें बेबी वॉश यूज़ कर सकते हैं। बेबी वॉश के आप 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर बेबी वॉश ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर पर बेबी वॉश नहीं है तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी पुराना फेस वॉश है आप उसके 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लीजिए। अगर बेबी वॉश है आपके घर पर तो आप ज़रूर उसे इसमें ऐड करिए, क्योंकि वे बहुत ही माइल्ड होता है और जिससे कि आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। अब मैं इसे किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
आपके पास कोई भी बोतल पुराने फेस वॉश की है तो आप उसमें ये सॉल्यूशन ऐड कर लीजिए। ये फेस वॉश बहुत ही माइल्ड है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इस फेस वॉश की लाइफ कितनी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी लाइफ कितनी है, सेल्फ लाइफ जो हमने ये बनाया है वो 10 दिन तक आराम से आपका चलेगा और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। बट आप इसे 10 दिन के लिए ही बनाएं और यूज़ करें और फिर दोबारा से बना लें जितना कि आपको यूज़ करना है। आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है इसे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं और इस विंटर इसको ट्राई ज़रूर करें और अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये फेस वॉश ट्राई किया है तो आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है। मैंने अभी इसे यूज़ किया है, मुझे अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सप्पल लग रही है इसे यूज़ करने के बाद। मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगी, आपको लाइव दिखाऊंगी कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। जिनकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है वो, या फिर पुराने से पुराने ब्लेमशेज हैं, तो ये कॉफ़ी जो हमने इसमें ऐड करेगी ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी आपके फेस पर। आपको जब भी फेस वॉश करना है इस तरह से थोड़ा सा फेस वॉश लेकर अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कीजिए और 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज कीजिए। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से इसे लगा लेना है और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है और फिर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपकी स्किन पर जितना भी मेकअप है, डर्ट है, पोल्यूशन है, गंदगी है, ये फेस वॉश आपकी स्किन को डीपली से क्लीन करेगा और आपको देगा एकदम से फेयर स्किन। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस की 1 मिनट तक मसाज कर ली है, अब मैं कर लूँगी इसे वॉश। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो करा है। मैंने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं किया है, जस्ट सिंपल पानी से वॉश किया है। ये फेस वॉश कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन के लिए है, नॉर्मल स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन ऑयली है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश विंटर के लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगी कि ऑयली स्किन वालों को विंटर सीजन में कैसे अपनी स्किन की केयर करनी है। वो फेस वॉश आप जरूर ट्राई करें जिनकी भी स्किन ऑयली है, और जिनकी स्किन ऑयली नहीं है वो ऑल स्किन टाइप ये फेस वॉश बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा खुश रहें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।